हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आलू का नया नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने चार आलू को कद्दूकस कर लिया है और एक कटोरी मैंने सूजी लिया है। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो इसके जगह आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है और कद्दूकस किया हुआ आलू को हम इसमें डाल देते हैं और एक कटोरी मैंने यहाँ सूजी डाला है और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधा चम्मच मैंने यहाँ गोल की जीरा पाउडर डाल, और यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल इसे गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं। घोल को बिल्कुल ही गाढ़ा रखना है। तो यहाँ पर हमने घोल को तैयार कर लिया है। तो इसे हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। तो 5 मिनट हो गया है तो ढक्कन को हम हटा लेते हैं। तो सूजी बिल्कुल फूल गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाले हैं और इसे हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिला लिया है और गैस पर मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल डाला है और इसे हम इस तरह से फैला लेंगे और इसमें हम घोल को डालेंगे और चम्मच से इस तरह से फैला देंगे। बिल्कुल इसे लो फ्लेम में पर पकाना है। अब 2-3 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा देते हैं। अब ढक्कन को हटा लेते हैं। 3 मिनट पूरा हो गया है तब हम दूसरी तरफ इसे पलट लेते हैं। और यहाँ मैंने टमाटर सॉस लिया है और इसके ऊपर हम चारों तरफ फैला लेते हैं। अगर आपके पास अजवाइन चटनी है तो वो भी इस पर लगा सकते हैं, लेकिन टमाटर सॉस सिंपल है, सबके किचन में रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे सब्जी को बारीक लंबे टुकड़ों में काट लिया है। मैंने यहाँ टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज लिया है और इस तरह से सब्जी को हम फैला देंगे। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने ये गोल की जीरा का पाउडर डाला है। और ये मैंने घर का मलाई लिया है। अगर आपके पास चीज़ है तो चीज़ भी इसमें डाल सकते हैं, या तो पनीर। अगर कुछ भी नहीं है तो इस तरह आप मलाई डाल सकते हैं। तीन मिनट के लिए हम ढक्कन लगा देते हैं। यहाँ 3 मिनट हो गया है और सब्जी भी अच्छे से पक गया है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ चिली फ्लेक्स डाला है। अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप ऐसे भी ये खा सकते हैं। तो मैंने सेम पैन लिया है और छोटा छोटा मैं घोल जो बच गया है उसे छोटा छोटा मैं बना लेती हूँ, जो बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। सेम तरीका से, और 3 मिनट के लिए ने हमने ढक्कन लगा दिया है। तो 3 मिनट हो गया तो दूसरी तरफ हम इसे पलट लेते हैं और टमाटर सॉस इस तरह से फैला लेते हैं और सब्जियों को इस पर रख देते हैं। तो यहाँ ये पककर तैयार हो गया है तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये अंदर तक बिल्कुल ही पक गया है
और खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। तो या तो घर में आपका मेहमान है या तो बच्चों का पार्टी हो, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।